मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू एंड आई एम ट्राइंग विजयता दिवेकर इंस्पायर्ड डाइट प्लान फॉर माय वेट लॉस, फॉर हेल्दी लिविंग एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। और आज है डे नंबर 19 और आज का वीडियो मैं किचन से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं किचन में खड़ी थी तो मैंने सोचा कि आपसे बात भी कर लूँ और वीडियो स्टार्ट भी कर दूँ। तो आज मैंने वेट चेक नहीं किया है क्योंकि आपको पता है 3 दिन तक वेट वैसे भी बढ़ा हुआ ही आता है तो कोई मतलब नहीं है वेट चेक करने का। और सुबह उठ के मैं अपना थायरोइड मेडिसिन ले चुकी हूँ। मुझसे किसी ने पूछा था कि आप कौन सा मेडिसिन लेते हो, तो ये डॉक्टर से प्रिस्क्राइब किए बिना हम नहीं ले सकते हैं, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना हम नहीं ले सकते हैं। मतलब डॉक्टर हमें जितना सजेस्ट करेंगे हमें उतनी मेडिसिन लेनी होती है। तो फिलहाल मेरा अभी चल रहा है थायरोनॉर्म 25 mcg का। ये मुझे डेली मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक लेना होता है, तो ये मैं ले चुकी हूँ। और अब बन रहा है मेरा, अब टाइम है डिटॉक्स का, तो डिटॉक्स वाटर मेरा बन रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये बन रहा है मेरा कोरिएंडर डिटॉक्स वाटर। मैंने सोचा जब तक मेरा डिटॉक्स तैयार हो रहा है तब तक आप लोगों से बात कर लूँ। एंड आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दिया करो यार। कमेंट करते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी मतलब मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और किन किन लोगों ने मेरा नया चैनल, मतलब मेरा पुराना चैनल देखा है, किन किन लोगों ने मेरे चैनल को चेकआउट किया है, अगर किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने मेरा चैनल देखा है कि नहीं देखा है। आपको एक बात और बतानी थी। कल मेरे पास एक न्यूज़ पहुंची है जो कि मतलब मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग है। मैं ये सोच रही हूँ जिनके साथ ये चीज़ हो रही है वो लोग इस चीज़ को कैसे फेस कर रहे होंगे, क्योंकि जब से मैंने ये चीज़ सुनी है मुझे अजीब सा हो गया है। मतलब ना खाना खाने का मन कर रहा है, ना कुछ, बहुत ही अंदर से ना इतना इंसान होता है ना कि दुखी है लेकिन वो दिखा नहीं पा रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मैं इस टाइम पर कितना परेशान हूँ उस चीज़ को लेकर। मेरे पापा की एक कज़न सिस्टर है और जो कि मुझसे सिर्फ 2 महीने बड़ी हैं। और जब मैं छोटी थी हम लोग गांव जाते थे गर्मी की छुट्टियों में, तो हम लोग साथ में खेलते थे। और आपको पता है गांव में शादियां जल्दी हो जाती हैं, तो उनकी शादी जब मैं शायद 12th में थी या पता नहीं शायद मैं 11th 12th में, तब उनकी शादी हो गई थी। बच्चे भी उनके जल्दी हो गए थे, तो उनको 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। लड़की बड़ी है 2 लड़के से और 16 साल की लड़की हो चुकी है, 14 साल की लड़की हो चुकी है, एक 12-13 साल का लड़का है उनका। तो 2 बच्चे हैं और उनके हस्बैंड आर्मी में थे, जो कि अभी होली की छुट्टी लेकर, होली पर आते ना कि 3-4 महीने बाहर रहते हैं, देन उसके बाद 1 महीने की छुट्टी लेकर आते हैं, तो होली पर आए हुए थे। और सेकेंड नवरात्रे वाले दिन उनको हार्ट अटैक हो गया और उससे वो एक्सपायर हो गए। मतलब घर में कोई समझ ही नहीं पाया कि ये हार्ट अटैक है। उनको सिर्फ वॉमिटिंग हुई है, 2-3 वॉमिटिंग की है, उसके बाद वो बेहोश से हो गए थे, मतलब अनकॉन्शियस हो गए थे। उसके बाद उनको लेके हॉस्पिटल भागे, तब पता चला कि डॉक्टर ने वहाँ, क्योंकि मेरी साधना बुआ जो है, मेरी जो बुआ हैं वो उनको लेकर भागी हॉस्पिटल के लिए, अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाया उन्होंने हेल्प के लिए, वो लोग लेकर गए हैं। तो उनके रिलेटिव्स में कोई था नहीं वहाँ पर, तो डॉक्टर ने उनको एडमिट तो कर लिया लेकिन वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके थे। तो डॉक्टर्स ने उनको नहीं बताया ये सब चीज़ें, उनको सिर्फ ये बोला कि अपने फैमिली में से सबको बुला लो, बहुत सीरियस है। तो उन्होंने फ़ोन करके सबको बुलाया, सबको ये न्यूज़ दी, सब भागे भागे वहाँ पहुँचे। तब पता चला कि वो एक्सपायर हो चुके थे ऑलरेडी और वो अकेली हैं और इतनी कम एज की हैं, कहीं उनको शॉक ना लग जाए एकदम से ये चीज़ पता चलेगी तो इसीलिए उनको नहीं बताई गई थी ये न्यूज़, उनको थोड़ी देर के बाद बताई गई थी। 6 बजे वो एक्सपायर हो गए थे लेकिन घर वालों को पहुँचते पहुँचते 9 बज गए थे वहाँ पर। तो 9 बजे के अराउंड उनको बताया गया कि ऐसा ऐसा हो चुका है। उनके 2 बच्चे हैं यार, पूरी लाइफ है, मेरी एज की हैं। आप इमेजिन कर सकते हो ऐसी इस एज में ऐसी लाइफ कैसे जिएगा इंसान, वो भी 2 बच्चों के साथ में। मतलब सोच के ना अजीब सा लग रहा है बहुत कि कैसे वो वही हैं जिनके साथ मैंने अपने बचपन में खेला है। हमने बहुत शैतानी करते थे, जब गांव जाते थे सबको परेशान कर देते थे। वो बहुत ही चुलबुली टाइप नेचर होता है ना, वैसे नेचर की हैं। और एकदम से इतना बड़ा दुख उनके ऊपर। उनकी जो भाभी है, मतलब मेरी जो चाची हैं, उनको मैंने कॉल किया तो वो कह रहे थे कि हम गए तो थे वहाँ पे, एक हमने सोचा कि 1-2 दिन हम वहाँ रुक जाते हैं उनके साथ, लेकिन उनकी हालत ऐसी है ना कि वो उनको देख के रुक ही नहीं पाई वहाँ पर, वो 2 घंटे में वापस आ गई। उनका अलग रो के बुरा हाल है, पूरी फैमिली ऐसी हो रखी है। और अभी तक मेरे बाबा को, यानी कि पापा की जो चाचा हैं, उनको अभी तक बताया नहीं गया ये चीज़ कि उनके दामाद यानी कि मेरे फूफा जी एक्सपायर हो गए हैं। वो काफ़ी एजेड है, वो भी आर्मी से रिटायर्ड है। और पता नहीं यार क्या हो रहा है आजकल ना, कुछ कह नहीं सकते हैं लाइफ का। हम जो चीज़ प्लान करते हैं ना कि हम लाइफ में ये करेंगे, हम लाइफ में ये करेंगे, लाइफ बिल्कुल उसका अपोजिट हमें दे देती है समटाइम। किसी ने सोचा नहीं होगा कि उनकी लाइफ ऐसा होगा उनके साथ में, या उनकी लाइफ में ऐसी ट्रेजेडी हो सकती है। उनका नेचर इतना अच्छा है ना कि आप लोग उनसे बिना बात के रह ही नहीं सकते हो। इतना जॉली नेचर है उनका, इतनी चुलबुली टाइप, और ऐसा हो गया उनके साथ। सो ये है सोक्ड रीजन्स। नंबर 1, मुझे हॉस्पिटल के लिए निकलना था तो मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था, तो मैंने ये वाइट ब्रेड का सैंडविच बना लिया जिसमें मैंने डाला है पनीर, प्याज, टमाटर, खीरा। तो ये है मेरा झट से बनने वाला नाश्ता, यानी कि मील नंबर 2। A few moments later. लिजर्ड। सो गाइस मैं हॉस्पिटल से आ गई हूँ। 1 घंटे बैठ के उन्होंने मेरी समरी लिखी है, और काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। जहाँ मैं गई थी बहुत तसल्ली से बैठ के, सुकून से बैठ के एक एक चीज़ उन्होंने मेरी हिस्ट्री में पूछी है। खाना खाने का तरीके से लेकर, फैमिली हिस्ट्री से लेकर, फाइनेंशियली हिस्ट्री मतलब प्रॉब्लम से लेकर सब कुछ पूछा है कि क्या चीज़ ऐसी इफ़ेक्ट की होगी मेरी बॉडी में कि मुझे सब प्रॉब्लम हुई है। और उन्होंने काफ़ी अच्छे समझाया कि मैं 5 साल से थायराइड की मेडिसिन खा रही हूँ, 3 साल से मैं अपने एस्थमा और एलर्जीज़ की दवाई खा रही हूँ, और उसमें मुझे कुछ मतलब ऐसा कुछ मिला नहीं है कि मैं ठीक हो गई हूँ। तो उन्होंने बोला कि 1 से 2 साल भी अगर आपको होम्योपैथिक दवाई खानी पड़ेगी, और हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें इसका इलाज है परमानेंटली। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब अच्छी चीज़ है कि मुझे 1 साल खानी पड़े चाहे 2 साल खानी पड़े, लेकिन कम से कम ये तसल्ली है कि उसके बाद मेरी प्रॉब्लम अच्छे से ख़त्म हो जाएगी, और फिर मुझे आगे लाइफ टाइम दवाई नहीं खानी पड़ेगी। तो देखो बाकी। और वहाँ से निकल के 11:30 बज गए थे, तो मैंने वहाँ जूस ले लिया था, जैसे कि अभी आप देखेंगे कि मैंने वहाँ पर मील नंबर 3 के टाइम पे जूस ले लिया था। और जल्दी जल्दी यहाँ से निकली थी सैंडविच खाकर, कुछ था नहीं, बनाने का टाइम नहीं था। और फिर मैंने कहा कि अगर मैं वहाँ चली जाऊँगी तो ओवर टाइम हो जाएगा, तो मैं खा भी नहीं पाऊँगी। तो मैंने जल्दी से ब्रेड में ही पनीर और खीरा और टमाटर के स्लाइस लगा के मैंने उसी से को खा लिया था। सॉस थी नहीं, केचप ही लगाना पड़ा था, तो वो मैंने लगा के ब्रेकफास्ट कर लिया था। नाउ मील नंबर 3 मैंने कर लिया। लंच मैंने बनाया नहीं है, पता नहीं अभी मैं क्या करूँगी लंच में। तो नहाई भी नहीं हूँ, ऐसी चली गई थी। बस नीचे लोअर चेंज करके मैंने जैगिंग पहन ली थी और मैं चली गई थी। लो पहले मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद सोचती हूँ लंच में क्या बनाना है, और आगे ही देखते हैं क्या करते हैं। फिर गया था, थक गया है लड्डू, और अब लड्डू देखो यहाँ पे दूध पी रहा है, दूध पी रहा है। वहाँ से आने के, हॉस्पिटल से आने के बाद ना नहाया है, और नहाने के बाद मैं सो गई हूँ। और अब टाइम हो गया, 2:30 बज गए, मैं खाना खाने के लिए उठी हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ लंच में क्या है। करेले की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, ये है 2 रोटियाँ जिस पर घी लगा हुआ है, साथ में खीरा, और मैंने थोड़ा सा, मुझे मन था दही खाने का चीनी डाल के, तो इसमें चीनी डाली हुई है 1 चम्मच, इतना बड़ा 1 चम्मच चीनी है और इतनी दही है। सो दिस इज़ माई लंच। तो अब मैं लंच फिनिश कर लेती हूँ, धीरे धीरे खाएंगे, 32 टाइम च्यू करके खाएंगे, और आप आपसे मिलूँगी नेक्स्ट मील पर। तो गाइज़ इट्स टाइम फॉर मील नंबर 5, और आज मैं मील नंबर 5 में ले रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी, जिसमें कुछ भी ऐड नहीं है, ना शुगर ऐड है, ना मिल्क ऐड है, सिर्फ पानी और कॉफ़ी है। बहुत लो फील कर रही हूँ एनर्जी वाइज, बिल्कुल एनर्जी रह नहीं गई है बॉडी में। तो सोचा थोड़ा सा ये पी लूँगी तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाऊँगी। और क्योंकि काफ़ी सारे काम फैले हुए हैं, किचन में बर्तन पड़े हैं, खाना बनाना है, बहुत कुछ है जो कि बिल्कुल हिम्मत नहीं है, कपड़े फोल्ड करने हैं। तो जल्दी से कॉफ़ी पी लेती हूँ और अपनी में एनर्जी लेकर आती हूँ, और घर के काम करती हूँ, और आपसे भी अच्छे से बात करती हूँ। आपको ना मैं एक रूम दिखाती हूँ, उस रूम की हालत देख के प्लीज़ आप मुझे जज मत करना कि मैं घर में काम नहीं करती हूँ। मैं घर में बहुत काम करती हूँ। आप मेरा घर देख सकते हो, बहुत बड़ा घर है। ये ड्राइंग रूम एरिया देखो आप, कितना बड़ा है। यहाँ झाड़ू पोछा लगाना बहुत मुश्किल होता है। फिर मेरा किचन है जो कि हमेशा फैला मिलेगा आपको, लेकिन झाड़ू पोछा इसमें भी करना होता है, साफ़ सफाई करनी होती है। फिर मेरा रूम बहुत बड़ा है, उसके साथ में एक रूम और है हमारे पास जिसको मैंने स्टोर रूम बना दिया, जिसका पहले बाथरूम जो है वो स्टोर रूम था, ना ये पूरा कमरा ही स्टोर रूम बन गया है। मैं आपको इस कमरे की हालत दिखाती हूँ और मैं जल्दी ही इस रूम का मेकओवर करने वाली हूँ। इस रूम को अच्छा सा सुंदर सा बनाने का सोच रही हूँ। इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा कि मैं 1 या 2 दिन में, इसमें ज़्यादातर लड्डू के टॉयज़ और जो कपड़े हैं वो पड़े हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक बेड है, सिंगल बेड है, दीवान बोल सकते हो आप इसको, जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में है। इसकी प्लाई वगैरह सब निकल गया है। और साथ में ये लड्डू का प्रैम है जिसके ऊपर हमने कपड़े सारे भर के रखे हैं जो अब यूज़ नहीं है। ये विंटर्स के कपड़े हैं तो मुझे इनको हटाना है, इनको फोल्ड करना है। जो कपड़े सही हैं उसको रखना है, जो कपड़े ख़राब है वो हटाना है। ये मेरी शादी की एल्बम है, ये मैंने अपने मदर इन लॉ से मंगवाई थी। ये हमारी एक किसकी बोलते हैं इसको, स्टील की, एलुमिनियम की, किसकी पता नहीं, कौन सा मेटल वाली एक कबर्ड है जिसके ऊपर लड्डू के टॉयज टेडी पड़े हुए हैं। ये एक मेरी कबर्ड है, पुरानी कबर्ड है, जो मैं इससे पहले वाले घर में ये इसमें कपड़े रखती थी, लेकिन इस घर में बहुत सारी कबर्ड्स हमारे पास ऑलरेडी हैं तो मैं इसको यूज़ में नहीं ला रही हूँ। साथ में नीचे आप देख सकते हो, मैं आपको दूसरे कैमरे से दिखाती हूँ। ये देख सकते हो ये लड्डू की साइकिल है जो कि यहाँ पड़ी है। इसमें लड्डू का पूल है, वो जो स्विमिंग पूल टाइप नहीं होता जो हमने होली पे यूज़ किया था वो है ये, तो ये यहीं पड़ा हुआ है। ये लड्डू का प्रैम है जो यूज़ में नहीं होता है फ़िलहाल, तो ये यहीं पर रखा हुआ है। ये लड्डू की साइकिल है, मतलब पता नहीं कौन सी गाड़ी से बोलते हैं, जिसको लड्डू के पापा ने न्यू ईयर पे बैठकर इसके टायर ही टेढ़े कर दिए हैं तो अब ये चलती नहीं है। टायर बाहर को आ गए हैं, इसके टायर बाहर को आ गए इसलिए चलती नहीं है। ठीक है, ये है कमरे की हालत। ये देखो ये लड्डू के टॉयज़ हैं, इसमें बहुत सारे टॉयज़ ऐसे हैं जो टूट चुके हैं, जो मुझे फेंकने हैं, लेकिन मैं इस रूम में जैसे ही आती हूँ लड्डू को सब टॉयज़ चाहिए होते हैं, उसे वो कुछ फेंक नहीं देता। आप ये ट्रैक्टर देख सकते हो टूटा हुआ है, लेकिन लड्डू की उसे मैं फेंक नहीं पा रही हूँ। इन सब में कुछ ना कुछ सामान भरा हुआ है तो मुझे ये सब हटाना है। ये मेरे हस्बैंड का बैट है जो कभी किसी ज़माने में खेलते थे, इससे हम वैष्णो देवी से लेकर आए थे इसको। बाकी जो इसमें अंदर रूम है ना, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ लड्डू के टॉयज़ भरे हुए हैं, इसके अंदर से लेकर ये उसकी चेयर है जो वाइब्रेशन वाली चेयर होती है ना, रोलिंग चेयर, वो है। ये उसके जो सोफ़ा टाइप नहीं होते जो बच्चे बैठना शुरू करते हैं तो ये दो वो हैं। और ये जो रॉड्स दिख रही हैं आपको, ये उसके टेंट हाउस की रॉड्स हैं। उसका टेंट हाउस इस कपड़े का ये है और इसको इन रॉड्स में फिक्स करके फिर बनाया जाता है। तो इस रूम में मुझे कम से कम 1 महीना, अगर मैं लगातार काम करूँगी ना तो 1 महीना लगने वाला है, क्योंकि इसकी जो कबर्ड है ना मैंने इसी में मंदिर बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ लड्डू परेशान नहीं करता है, इस रूम में वो कम से कम आता है। तो और ये कबर्ड आप देखो ऐसे भर के रखी है मैंने, और सारे कपड़े इसमें ना, कोई भी कपड़ा इसमें ऐसा नहीं है जो काम का है, सब का सब बेकार कपड़े हैं जो बिल्कुल यूज़ के नहीं हैं। तो मुझे ये हटाने, ये फेंकने हैं। इसमें एक ये रजाई का कवर है तो इसको छोड़ के बाकी सब फेंकने वाला है इसमें सामान। और मैं जल्दी ही मंदिर को ना यहाँ से बाहर शिफ्ट करने वाली हूँ। मैं नया मंदिर लेने का सोच रही हूँ जो कि मैं इस कबर्ड पे रखूँगी। मैं आपको दिखा रही हूँ तो इसमें जो स्टोरेज है, बाकी मंदिर में थोड़ा बहुत स्टोरेज होगा। ये मंदिर मेरा इस जगह आ जाएगा ना तो मेरा रूम प्रॉपर पूरा खाली हो जाएगा, और उस रूम में मैं अपनी वीडियोस वगैरह शूट करने के लिए इस रूम को थोड़ा सा अच्छा कर दूँगी। वो हमारा पुराना टीवी पड़ा हुआ है, देखो आप कबर्ड के ऊपर वो दिख रहा है, उसकी स्क्रीन चली गई थी तो हस्बैंड ने नया टीवी ले लिया। रूम में बहुत कुछ है जो मुझे ठीक करना है, काम करना है, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता। आप खुद देख रहे हो मैं पूरे दिन काम करती रहती हूँ, बीच में 1 घंटा सोती हूँ, उसके बाद भी बच्चे के साथ ऐसे ही होता है। तो चलो मैं किचन के बर्तन वॉश कर लेती हूँ और डिनर की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि डिनर आज मैं जो थोड़ा जल्दी बनाने का सोच रही हूँ। अभी तक पता है आपको क्या हो रहा था कि मैं अपने लिए डिनर अलग बनाती हूँ, हस्बैंड और उनके जो कज़न घर में रहते हैं लड्डू के चाचू जो हैं उनके लिए अलग डिनर बनता है, क्योंकि वो लोग कुछ ऐसा जैसे मैं कभी दलिया खा लेती हूँ या मैं कुछ नॉर्मल खा लेती हूँ, वो वैसा कुछ खाना पसंद नहीं करते हैं, वैसे खाना प्रेफर नहीं करते हैं, तो उनके लिए मुझे प्रॉपर खाना बनाना पड़ता है। तो सोच रही हूँ पनीर ला के रखा है उन लोगों ने, तो मटर पनीर बनाना है, तो मैं जल्दी बना लूँगी, तो मैं भी वही खा लूँगी, उन लोगों के लिए भी हो जाएगा। जल्दी जल्दी काम फिनिश करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, घर के ऑलमोस्ट सारे काम कर लिए हैं, डिनर की पूरी तैयारी हो चुकी है और डिनर में अभी टाइम है क्योंकि सब्ज़ी इसलिए नहीं बना सकती हूँ क्योंकि धनिया पाउडर ख़त्म हो गया और धनिया पाउडर मैंने मंगाया है अभी, तो हो सकता है 15-20 मिनट में आ जाएगा, तब मैं खाना बनाना शुरू करूँगी। और मैंने देखा कि मेरा एप्पल साइडर विनेगर है ना, उसकी एक्सपायरी 3 महीने के अंदर है, 3 महीने बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, तो वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। अभी आधी बॉटल बचा हुआ है, ये आधी बॉटल बचा है, तो सोच रही हूँ इसको मैं फ़िनिश कर लूँ। और मील नंबर 6 मैंने कुछ नहीं लिया था क्योंकि रुजुता मैम बोलती है कि अगर आपको भूख लगे तभी खाना चाहिए खाना, और मील नंबर 6 की इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि उस टाइम पर हम भूखे हो जाते हैं। तो मैं भूखी नहीं हूँ, मुझे भूख भी नहीं लग रही है अभी ऐसी कुछ खास कि मैं कुछ फालतू का खा लूँगी या ओवर ईटिंग हो जाएगा डिनर पे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा पेट अभी फुल है क्योंकि आज मैंने लंच लेट किया है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मेरे पास टाइम है, मतलब 40 से 1 घंटे का टाइम है डिनर के लिए, तो तब तक मैं एप्पल साइडर विनेगर ले लेती हूँ। और उसके बाद वैसे भी थोड़ा वेट करना होता है हमें डिनर के लिए, खाने के लिए, तो आधे घंटे 1 घंटे में मेरा खाना भी बन जाएगा। तो आज मैं ले रही हूँ एप्पल साइडर विनेगर 1 ग्लास गुनगुने पानी में, और इसको हम आराम से बैठ के पियेंगे। तो चलो मैं अपना एप्पल साइडर विनेगर तैयार करती हूँ और फिर आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। सो एक बड़े ग्लास में मैंने 2 ढक्कन एप्पल साइडर विनेगर ले लिया है और साथ में मैंने इसमें गुनगुना पानी डाला है। The next day. सो गाइस, कॉफ़ी पीते पीते वीडियो एडिट करते करते मैंने अचानक से देखा कि वीडियो का एंड ही नहीं किया है मैंने कल भी, और पता नहीं क्यों मैं भूल जाती हूँ। और साथ के साथ मैंने इतना महान काम किया है, मैंने डिनर की वीडियो ही नहीं शूट की है, पता नहीं शूट नहीं की है या क्लिप डिलीट हो गई लड्डू से, या पता नहीं क्या हो गया, मुझे नहीं पता। तो ना तो डिनर की मैं क्लिप दिखा पाई आप लोगों को, ना ही मैं वीडियो एंड कर पाई हूँ। वीडियो तो मैंने एंड ही नहीं किया था, मुझे इतना याद है, लेकिन हाँ डिनर की मैंने क्लिप ली थी, आप लोगों से थोड़ी बात भी की थी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गई। तो सो एनीवेज, मैंने क्या खाया था मैं वो आपको बता देती हूँ। तो मैंने डिनर में लिया था 1 रोटी, नॉर्मल रोटी थी, प्लेन रोटी थी, इसमें घी नहीं लगा था, साथ में 1 बाउल दही थी जिसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाली थी। तो मैंने कल दही और चीनी इन डिनर में मैंने लिया था। सो अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, वीडियो पूरा देखा करो, वीडियो शेयर कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, और कमेंट करके देना वीडियो कैसी लगी। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, चिल्ड्रेन बाय बाय।